मैना धन्या कला का जो चरण लगा वो श्रेष्ठता नहीं दिया। जो अधोगति में चले जाते हैं, अचानक जिनके प्राण छूट जाते हैं, उनके लिए ये कथा कर रही। पितरों की तीन बेटियां, तीनों से गलती हो गई। आप शिव मंदिर में जाएं, कोई गलती ना हो, जल चढ़ाएं, मना नहीं, छींटा ना लगे, धीरे धीरे चढ़ाएं। और एक बात अच्छे से ध्यान में रखिएगा, शिव मंदिर से जब भी वापिस आए, जल चढ़ाकर अपना फर्ज पूरा अदा कर कर। फर्ज से मतलब, जब शिव मंदिर से वापिस आए, जो पत्ती बेलपत्री फूल शिव जी पे चढ़े थे वो नीचे शिवलिंग पे से नीचे गिर गए हों। एक शिवलिंग रखा है, लाना मिट्टी वाला, लाइए जरा उठा के। अब छत्तीसगढ़ में कथा चल रही, थोड़ा ध्यान से सुन लोगे एकांतेश्वर शिवलिंग का पूरा वृतांत। तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसमें हमारी गलतियों को हमें छाट। ये देख, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री फूल पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अभीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा तीन खींचकर, और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए, कथा रामायण सुनिए, आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, सारा वृतांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं, केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का श्रृंगार किस लिए, क्यों? कहा जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर कर आना चाहिए। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बन। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली मौली चंदन, जो भी आपके पास में अबीर गुलाल, नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास,
ले जा बाबा, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना। देखिए, पितरों की तीन बेटियों को श्राप लग गया। श्राप क्या लगा? तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। अब दुख आ गया, पितरों की बेटियां, इन्होंने पूछा हमारा भी कल्याण हो और पितृ लोक में जितने पितर आए उनका भी कल्याण हो। जो अधोगति में, जैसे हमारी गति बिगड़ी है, हम अभी युवान अवस्था में हैं, आपको चोट लगी, आपने हमको श्राप दिया, मान लो कोई अधोगति में प्राण छोड़कर चला जाता है, उसका उद्धार कैसे हो? सनकादि ऋषि से पूछ रही, आप कृपा करो, आप दया करो।